सिचुएशन में क्या होता है, लेकिन हम इस केस को भरपूर तरीके से परस्यू करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ना अहल वो इस अहदे से, बिकॉज वो अहल नहीं है कि वो इस अहदे को संभालें। दूसरी बात यह है कि कल आपने देखा होगा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जरदारी हाउस के सपूत है, मरियम नवाज जो अपेरेंटली लीडर है पोलिटिकल डायनेस्टी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कल एक पोलिटिकल मीटिंग की और पोलिटिकल मीटिंग तो होनी थी अबू बचा मोहिम राउंड की, बिकॉज दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। मरियम नवाज और जरदारी दोनों की जो फादर्स हैं उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, एक जेल के अंदर अपना सेंटेंस काट रहे हैं और एक नैब की जेर हिरासत है। दोनों के पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है और दोनों के वालिदैन ने चार्टर ऑफ करप्शन साइन करके पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है। तो कल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुहिम इन दोनों ने चलाई और पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाने की कोशिश की, पर पाकिस्तान की आवाम हमेशा की तरह इनकी इस झूठ की सियासत को रिजेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह।